अपर इस बॉडी बहुत अच्छी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, हम बड़ी मजा आता है। स्ट्रेंथ आ रही है उल्टी टाइट कम ऑन यस कम ऑन टू जो भी साउथ एक्स वाले एनी टाइम आई एम दूर ऐसे मारो पूरा हाथ ऊपर भी ना जा रहे। अब जितनी भी ट्रेनिंग होगी ना सब में तेरी बॉडी पंप रहेगी। हे राम राम जी, तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस अभी मैंने अपना मील बनाया जिसमें राइस आलू वेजिस और चिकन, ऐसी चल रही है अपनी पूरी डाइट। पीछे एक हफ्ते बीमार रहा ना, बुरा हाल हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं जिम देखने। टाइगर भाई के जिम में हम वर्कआउट करेंगे, लेकिन वहाँ वीडियोस बनाने में या फिर होता है ना थोड़ा भीड़ होती है तो दिक्कत रहती है, तो ऐसे जिम देखेंगे जहाँ पे थोड़ी वीडियोस बने हमारी और रील्स बना पाए अच्छे से और वर्कआउट वीडियो भी अच्छे से बने। तो जिस दिन हम भाई के साथ वर्कआउट करेंगे या कुछ शेड्यूल चेंज होगा उस दिन करेंगे टाइगर भाई के यहाँ वर्कआउट। बाकी अभी जा रहे हैं हम जिम देखने, कोई अच्छा सा जिम यहाँ पर सर्च करेंगे और उसमें एंट्री करेंगे। आपको अभी दिखाते हैं, एक दो जिम विजिट करते हैं, पहले डाइट लेता हूँ उसके बाद निकलते हैं। मेरी अगर आपको इतनी डाइट जैसे लेते हैं ना ना खाई जाए तो उसके लिए जूस मंगा रखा मैंने, इसके साथ बीच बीच में जूस पीता हूँ फिर अंदर जाती है डाइट फिर खाने लग जाता हूँ। ये वाला जूस वो नहीं है, जीरो शुगर है, बिल्कुल नो शुगर, और इसके साथ जब टेस्ट आता है ना और मज़ा आता है। बीच बीच में सिप करो, डाइट खाओ अपनी, आसानी से अंदर चला जाओ, नहीं तो दिक्कत रहती है इतनी सारी डाइट खाओ और फिर कभी कभी ऐसा हो अटक जा। तो गाइस अभी हम निकले हैं जिम देखने के लिए, तो बाकी अभी दिमाग में आ रहा है यार हम कितने भी कुछ भी कर लें लेकिन रोज लेट ही हो जाता है, मतलब कभी कहीं बाहर जाना, कभी इवेंट में जाना, कभी कहीं जाना, तो इसलिए सोच रहे हैं कि एनी टाइम ही हम ज्वाइन कर लें। तो एक बार यहाँ की जो एनी टाइम है वो देख लें कौन कौन सी बेस्ट है। बाकी यहाँ पर हमने नियर बाई सर्च करा है तो वहाँ पे दो तीन एनी टाइम है, तो जो सबसे बेस्ट लगेगी उसमें एंट्री कर देंगे। अभी आपको लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन सा जिम इधर है पास में। पूरा इधर ही वो है, पूरा बैग वैग रख लेगा। बाकी मुझे ये भी एनी टाइम के हिसाब से छोटी लग रही है देखने के हिसाब से। तो भाई आज चेस्ट लगानी है। ठीक है चल चेस्ट करते, पहले वार्म अप कर रखा था, शोल्डर स्ट्रेच करके ना, हाँ नेक वगैरह रोल करके अपना, ठीक है, और पुशअप मारो, बेंच शुरू कर दे, साइड बेंच। वो सब कितने मारो, चार सेट, दो तीन सेट मारो बस, वार्म अप, शोल्डर स्ट्रेच करके बस। तो अभी करते हैं वार्म अप, चेस्ट लगाएंगे तगड़े तरीके से। Sound back to the sound. Warm होगा कुछ रेड बेंच फ्रेश होगा। रेड बेंच, चलो पहला सेट बता दिया तुम्हें ना कैसे मारना, बाकी मैं खुद कर लूँगा। हाँ ये लोअर चेस्ट है, लोअर भी अपन करेंगे। अपन यहाँ पे जाओ, वन टू वन थ्री स्लो। हाँ ये यही सही है, यही सही है। गर्मी आ गई है ना, अब पहले से ज़्यादा ठीक है, फुलनेस अच्छी रहती है इस टाइम पे ना लोगों को लगता है, लेकिन ये मौसम है जो अप्रैल तक इसमें बॉडी बहुत अच्छी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, हम बड़ी मजा आता है। यार एक बात तो है, जब फीवर हो गए ना उसके बाद रिकवरी बहुत दिक्कत हो गया होने में, नहीं तो इतनी हैवी ब्रेंच मारी ना उस टाइम पे एक हफ्ता पहले, मज़ा आ रहा है। अभी कम से कम एक हफ्ता और लगेगा यार ऐसी रिकवर होने में, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। स्ट्रेंथ तो आ रही है उल्टी, लेकिन करते हैं चल। तो चल।
अब दूर मार यस स्टॉप चल मार रेपिटेशन अपर चेस्ट पे सिर्फ नीचे जा पूरा नीचे ऊपर कम लोड दे चेस्ट को लोड जान लगा चेस्ट को टाइट कर दे जैसे किसी को चेस्ट को टाइट कम स्मार्ट यस सेट कम ऑन स्टॉप ओ फट गई चेस्ट पूरी सारे सेट बराबर ही अकेला ये अकेला एक ही बहुत है क्या है लास्ट सेट में इसलिए हम लोड पंपिंग मारते हैं अब जितनी भी ट्रेनिंग होगी ना सब में तेरी बॉडी पंप रहेगी पूरा पूरा अब पंप हो गया बहुत अच्छा मतलब जितना मारेगा और पंप लेगी और पंप लेगी तो अगले 25 से 30 मिनट लोड लेगी उसके बाद डाउन लेगी ये बढ़िया रहेगा भाई सुन लो अच्छे से कैसे लोड लेगा बॉडी इसके बाद बटरफ्लाई तो इसके बाद हम मारेंगे बटरफ्लाई सीधी रखनी और दूर ये So I just need to get it, man, I need to be The thing that I just painted out, man, you won't go see See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog I'ma play the ball, cause I gotta go and get it, man, I really just need it Tell these guys that they can beat it I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never see it इसका एक सेट और बचा है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी चलेंगे, लेकिन लास्ट वाला सेट है जो टाइगर भाई करवाएंगे भी पांच रैप वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन वन टू थ्री फोर फाइव कम ऑन बैक स्ट्रेट लो बैक स्ट्रेट फाइव फाइव ओके कम ऑन ओके वन टू थ्री कम ऑन अब तक तो पहुंचा दे तो 95 प्लस चलो कोई नहीं है अपने पास 15-20 दिन है अब की बार खींच दूंगा अब फ्लैट बैंक डंबल प्रेस मारेगा आदि और प्रेस कैसे मारेगा बताऊंगा जितनी प्रेस में इसको ऐसे रखो ये लगा दूर वन दूर 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 अच्छा दूर ऐसे मारो पूरा 20-25-30 तीन सेट का तीन सेट तो भी फ्लैट ब्रेंच करेंगे डंबल भी अब डंबल मार रहा हूँ ना हल्के वेट से भी पूरा का पूरा पेन हो रहा है और भर के आ रहा है हाथ ऊपर भी ना जा रहे बस स्ट्रेंथ लगा के ऊपर खींचने पड़ रहे इसके करने हैं मैं तीन सेट एक सेट हो गया दो सेट और करने इंग्रेज ब्रेंच पर डंबल रॉड ब्रेंच बारबेल प्रेस भाई इतने ही निकल भाई यार इतना बताऊं भाई
मैंने एकदम शौक बंद करके रख दिया नहीं तो मुंह पर रख जाता अभी। आज वर्कआउट का और डाइट का शेड्यूल भी बनाना तुम्हें। हाँ वर्कआउट यार शीशे में अभी मैं बार बार देखूंगा जब भी ट्रेंडो पहनूँ या फिर बाहर रहूँ तो सोच रहा हूँ यार ये वाला टैटू ना कवर अप करवा दूँ, मतलब ये यहाँ तक करवा दूँ। हाँ जैसे ये वाला टैटू है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे सोच रहा हूँ ये वाला यहाँ तक करवा दूँ क्योंकि ये काफ़ी पुराना होगा, 2018 में बनवाया दिखाया। वर्कआउट डन अपना और घर चल के अपना पोस्ट वर्कआउट मील दिखाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे दो तीन मिनट और फिर निकलूंगा जिम में से और एक बार भाई से डाइट शेड्यूल भी लिखवा लेता हूँ। तो जैसे कि ऑडियंस देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी पेन लेके, तो मैं फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ ये बच्चा अनपढ़ गवार है, पांचवी क्लास के बाद स्कूल ना गया, वैसे बहुत हाई फाई बनता है, हेलो गाइस बोलता है। तो लेसन है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये तो खैर पार्ट ऑफ जोक है। आज से आदि का शेड्यूल बन रहा है, सिर्फ 20 दिन की गेनिंग करेंगे, 20 दिन मतलब गेनिंग हमारी चल रही है, 20 दिन का एक शेड्यूल है, बट मैं 20 दिन के बाद का शेड्यूल जो बना रहा हूँ वो अपना रिब का बनाऊंगा कि भाई हम कटिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है क्या खाना है। तो ये 20 दिन पहले बना के इसलिए जरूर ताकि ये प्रिपेयर रहे अपने माइंड से कि अगले 20 दिन बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि टारगेट पहले जाना जरूरी रहता है। ठीक है आदि, पहले मैं सप्लीमेंट बना देता हूँ फिर डाइट बना देता हूँ, ठीक है यही फॉलो करना। ठीक है डाइटिंग में जरूरी जो सप्लीमेंट रहते हैं प्रोटीन ग्लूटामाइन EAA लीवर डिटॉक्स नाइट्री ऑक्साइड्स और टॉरिन, ये मैं तो सजेस्ट करता हूँ सप्लीमेंट में, एंड विटामिन भी जरूरी है, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, और प्लस डाइटिंग है। तो चलो थोड़ा लंबा पर्चा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आदि को अपना शुरू बना के देता हूँ डाइट वाइट का, तब तक आप पूरी वीडियो के मजे लो देखो। ठीक है जी, चलो। और इवन आदि ये भी दिखाई करना कि मैं तुझे जैसे कुक करने के लिए बताता हूँ कि ये ऐसे कुक करने, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों को ना समझ नहीं आता बॉयल चिकन बोला तो वो क्या करते हैं चिकन को उबाल के ऐसे खा लेते हैं, ह्यूमन नेचर नहीं है कि कोई भी चिकन ऐसे उबाल के खाना चाहिए, उसके अंदर कैसे मसाले डालने ये दो तीन चीज़ें। ठीक है, जब तक आप नमक खा रहे तब तक आप कौन सी सॉस खा सकते हो क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो, ग्रीन वेजेस दुनिया सोचा पता नहीं कितनी सारी कौन कौन सी ग्रीन वेजेस अपने इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रूट्स में क्या क्या, सबको लगता है कि सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं डाइटिंग में भी, लोग केला भी खाते हैं, वही है डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तो जो तेरे को बता रहा हूँ अपना वो बता दो, तेरी टाइप बॉडी जिसकी होगी उसको फॉलो कर लेगा बस उस तरीके, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत कम फैट पकड़ा है। हाँ तो गाइस वर्कआउट के बाद जो मील बना के खाने का मजा है ना उससे अलग दुनिया का कोई मजा नहीं है। इसमें टाइम तो लगा बनने में लेकिन ये लग रहा है कि किसी तरह जल्दी से बन जाए बस खा लूँ। जो भाई वेजिटेरियन ग्रीन वेजिटेरियन चिकन और इसमें आलू फ्राई करके मैंने रखा हुआ है, तेल वेल में रखा फ्राई, ऐसी फ्राई ला रखा अपना उसमें ऐसी डाला और फ्राई करके निकाल लिया। ये वाली वेजिस यार आजकल ये वाली स्टार्ट करूँगा मैं, कर रहा हूँ आज से स्टार्ट। क्या यार बॉडी बिल्डिंग में भी टेस्ट भूल तो भूल ही जाओ, मतलब ही ना बनता भाई टेस्ट वेस्ट का। तो गाइस इस मील को ख़त्म करने के बाद रेस्ट करूँगा, तो अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो।